अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चौदह फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 42 जवान शहीद हो गए। इस हादसे से पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। जवानों की इस शहादत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला एक जवान भी शामिल है। उस जवान का नाम है रमेश यादव। 26 साल के रमेश चोबेपुर के तोफापुर के रहने वाले थे। इस हादसे की खबर जब शहीद रमेश के परिवार को मिली तो परिवार के साथ पूरे गांव में मातम फैल गया। घर का छोटा बेटा रमेश 61 बटालियन CRPF में तैनात था। 12 फरवरी को रमेश देश की रक्षा की खातिर अपनी बटालियन के साथ जम्मू में अलग अलग जगहों पर तैनाती के लिए घर से निकले थे। हाईवे पर पहुंचते ही रमेश ने अपनी पत्नी रेनू को फोन करके अपनी रवानगी की सूचना भी दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रमेश के परिवार को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं है और वो अब कभी घर लौटकर नहीं आएगा। न्यूज़ डेस्क।